हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग है, तो इस वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जैसा करना है वैसा ही बताऊंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे सबसे पहले आप क्लिक करोगे तो स्टेप से आपको शो अप होगा। ओके, तो जैसे ही आपको ये सब चीज़ शो अप होगा तो क्या क्या आपको फिलअप करना है ये मैं पहले बता देता हूँ। तो काउंसलिंग में सिमिलरली आयुष पीजी काउंसलिंग 2023 आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद में आपको जो रोल नंबर है AIPGT जो आपने एग्ज़ाम दिलाया है उसका रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद में उस टाइम आपका जो पासवर्ड था उस टाइम का भी पासवर्ड रहा होगा, ठीक है, तो वो वाला पासवर्ड आपको डालना है। देन उसके बाद में ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करना है। यहाँ पर चेंज होता रहता ही है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी करोगे फिर यहाँ पर ये जो साइन इन का जो बटन है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे या फिर इन केस जैसे कि ये तो आप साइन इन कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है वो अपन साइन कर सकते हैं। अगर इन केस आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो दो टाइप्स हैं, एक तो पहले से आप जो है साइन इन कर सकते हो रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो आपको क्या करना है पुराने जो पासवर्ड वगैरह है आपका रोल नंबर है वो डाल करके कर सकते हो। और अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। ऐसा आपको नोटिफिकेशन शो अप होगा। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, तो आपको अब न्यू पासवर्ड बनाना है इन केस जैसे कि आप पासवर्ड भूल गए हो। ओके, आप पासवर्ड भूल गए हो, अब जिनको पासवर्ड याद है उन वो तो सही है, ठीक है, अब जिन लोग को पासवर्ड याद नहीं है उन लोग क्या करोगे, ठीक है, या फिर भूल गए हो या कहीं मिस हो गया या फिर लॉग इन नहीं हो रहे तो उस कंडीशन में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आपको शो अप होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो पासवर्ड के बारे में लिखा गया है कि जो पासवर्ड है मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, पहला ये रूल है। सेकंड ये बोला गया है कि एटलीस्ट वन जो है अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक जो है लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका जो पासवर्ड जो है वो उसमें कम से कम एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और यहाँ पे एटलीस्ट एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे कि आपका एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो ये आपका जो है ये पांच क्राइटेरिया जो है बताया गया है वो पांच क्राइटेरिया में ही आपको पासवर्ड बनाना है क्योंकि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो नाउ इसके बाद में आपका जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें वो ये नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है कि मैं अपने SMS वगैरह को किसी के साथ में साझा नहीं करूँगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पेज है प्रोसेस करोगे तो नेक्स्ट जो पेज है वो आपका इस प्रकार से खुलेगा। अब नेक्स्ट पेज में आपको सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको क्या भरना है, तो सबसे पहले तो आपको जो है आपका रोल नंबर भरना है यहाँ पे जो आपका AIPGT का रोल नंबर है उसको। देन उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर भरना है जो आपका था वहाँ पे दिखाई देगा आपको एडमिट कार्ड वगैरह में। फिर उसके बाद में कैंडिडेट नेम आपका जो नेम आपने डाला था उस टाइम। फिर उसके बाद में मदर नेम, ओके, मदर नेम के बाद में डेट ऑफ बर्थ हो गया जो आपका है, ठीक है, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त डाला था वही सिमिलर चीज़ों को ही डालना है, बिल्कुल भी यहाँ पे गलत मत करना। नाउ ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे आपको अलग शो अप होगा वहाँ पे, तो उसको यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। फिर सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, इस टाइप का पेज खुल जाएगा। ओके, इस टाइप का पेज खुल जाएगा सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको रोल नंबर हो गया, फिर एप्लीकेशन नंबर हो गया, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई देगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, टेस्ट हो गया, और सॉरी टेस्ट बोलता हूँ, कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे भरना है, मदर नेम यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो ये आपको भरना है। इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी ये भी यहाँ पे आपको भरना है। फिर क्या करना है आपको, न्यू जो पासवर्ड है जो आप बनाए हों, ठीक है, वो पासवर्ड फिर उसी पासवर्ड को सिमिलरली यहाँ पे कॉपी करना है। जो आपने न्यू पासवर्ड अभी बनाया है जो मैंने बताया पांच क्राइटेरिया के हिसाब से उसको आपको यहाँ पर बनाना है, फिर यहाँ पे उसको सिमिलरली कॉपी करना है।
नाउ ये जो सिक्योरिटी पिन रहेगा वहाँ पे अलग शो अप होगा आपको, ठीक है, हर बार अलग हो जाता है, तो इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है, फिर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब सबमिट के बटन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके ऊपर ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ओके, अगर इन केस आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप ईमेल से भी कर सकते हो जिस ईमेल को आपने डाला है, तो ईमेल या मोबाइल जो भी है वहाँ पे ओटीपी आपका आएगा, फिर ये सिक्योरिटी उसको डालना है उस ओटीपी को, और फिर उसके अंदर ये सिक्योरिटी पिन को डाल करके क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। अब जैसे कि इसके आगे का अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है, कंप्लीट जो स्टेप है उसको अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन जो है नेक्स्ट जो है वो आपका जो है फाइल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको शो अप होगा, ऐसा करके टिक दिखाई देगा, ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करके फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना, या फिर यहाँ पे भी है आपका शो अप हो रहा है, ठीक है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर यहाँ पे क्लिक करना। ओके, दोनों जगह आप क्लिक करोगे, दोनों में से एक जगह में आपका क्या होगा, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, आप क्लिक करोगे ना एप्लीकेशन फॉर्म करके, तो नीचे वाले में, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। और वह यह है कि आप अगर आपको रीचेक करना है, इन केस ऐसा है कि आपने जो डिटेल्स वगैरह डाली हैं रजिस्ट्रेशन में उसको रीचेक करना है, तो उस कंडीशन में कहाँ पर क्लिक करोगे, तो इसके ऊपर व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके। तो व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपने जो डिटेल्स वगैरह डाली हैं उसको रीचेक करने के लिए तो वो आपको दिखाई देगा। ओके, ऐसा करके प्रॉपर आपको शो अप होगा। फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट स्टेप में वही है कि एप्लीकेशन फील एप्लीकेशन फॉर्म नीचे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नीचे के ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको शो अप होगा। ओके, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको शो अप होगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है, तो जैसे कि सबसे पहले तो आपका जेंडर हो गया, ठीक है, जो आपका वहाँ पे है शो अप हो रहा है। फिर उसके बाद नेशनलिटी हो गया, इंडियन। फिर उसके बाद रिलीजियन हो गया, जो भी हिंदू मुस्लिम, ठीक है, उस हिसाब से। फिर उसके बाद कैटेगरी आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से भरना कि जनरल हो, बीसी हो, एसटी हो, एससी हो, या ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी है, तो यहाँ पे कैटेगरी शो अप होगा, तो यहाँ पे आपको भरना है। फिर उसके बाद में आपका, अगर आपके पास, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, तो उन लोग जो है यहाँ पे यस करके जो है जो भी फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे भर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नो करके यहाँ पे करना है। ओके, फिर मैरिड स्टेटस यहाँ पे भरना है। मैरिड स्टेटस भरने के बाद में आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान देना है। ये आपको जो पूछा जा रहा है, इन केस जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही बस अब EEEC की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 10,000 रुपीज़ फीस पढ़ना देना पड़ेगा, जो रिफंडेबल अमाउंट होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मनी जिसे बोला जाता है। और अगर आप डीम यूनिवर्सिटी या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें भी एडमिशन चाहते हो, तो आपको 55,000 रुपीज़ देना पड़ता है, 50,000 रुपीज़ देना पड़ता है। 5,000 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है, तो 50,000 रुपीज़ आपको क्या है उसका पे करना पड़ता है। तो वो पे करने के लिए जिस अकाउंट को से आपको वो फीस पे करना है, रिफंडेबल अमाउंट जो आपको फीस पे करना है, ओके, गवर्नमेंट के लिए कितना दिया गया था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, 10,000 रुपये, और वही प्राइवेट के लिए कितना दिया गया था, 50,000 रुपये। ओके, तो ये जो रिफंडेबल अमाउंट है सिक्योरिटी मनी जो लेते हैं, ठीक है, ताकि आप जो सीट वगैरह को वहाँ पे छोड़ो मत, ठीक है, या फिर अगर आप वो ये कि सीट भी अगर छोड़ रहे हो तो गलत तरीके से ना छोड़ो, अदरवाइज वो जब्त हो जाता है। तो वो आपको जिस अकाउंट से पे करना है वो अकाउंट का सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटेलिंग डालना है, जैसे कि उस अकाउंट में आपका जो नेम है उसी वैसे ही आपको यहाँ पे नेम डालना है। इसके बाद में अकाउंट नंबर डालना है, फिर अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, दो बार डालना है यहाँ पे, फिर IFSC जो कोड है वो आपको दिखाई देगा उसी में, फिर आपका बैंक का नेम, जो भी आपका बैंक का नेम है, फिर उसके बाद किस ब्रांच से आप डेबिट कराना चाह रहे हो पैसे को उसी, ठीक है, तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है, ये एक्यूरेट रहनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करके है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्लिक करना। ओके,
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करोगे ना तो इस टाइप से आपको शो अप होगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अभी इसमें क्या है, तो आपको जो आपका स्टार्टिंग का जो बैंक पासबुक है, ठीक है, उसको आपको स्कैन करना है और उसको जो है जेपीजी फाइल बना करके उसको क्या है अपलोड करना है। अब यहाँ पे उसका साइज़ भी बताया गया है, इसी साइज का होना चाहिए। कितना बोला गया उसका साइज़, तो 20 KB और आपका 100 KB, इसी के अराउंड जो है आपको जेपीजी फाइल स्कैन करके बनाना है। और उसके अंदर चूज़ अपलोड करके यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप करोगे तो स्कैन वाला फाइल आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, अपलोड हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर अपलोडिंग जो आपका फाइल है उसको क्लिक करोगे, फिर उसके बाद में आपको क्या है सेव कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक किए, अपलोड हुआ, ठीक है, उसके अंदर प्रीवियस करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे, प्रीवियस जैसे क्लिक करोगे तो प्रीवियस जो है वहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रीवियस ऐसे करके शो अप होगा, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको क्या होगा, इस प्रकार से आपको जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर आ जाना है। मतलब ये आपका क्या था, आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म था उसमें अपन जो है डॉक्यूमेंट वगैरह भर रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट भर रहे हो तो यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। अब कई बच्चों को ये समस्या भी होगा कि सीधा नेक्स्ट करने के बाद में, जैसे आप नेक्स्ट सेव करके ऊपर क्लिक करोगे तो कई बार ऐसा होता है सीधा यही पेज वापस खुल जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये वाला पेज आपको लाने के लिए तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ओके, अगर आपको कई बार ऐसा इशू होता है तो उस कंडीशन में। उसके बाद में ये पेज खुल जाएगा, फिर ये करना है आपको, जैसे आप इसको अपलोड कर दिए तो मैंने इसका अपलोड प्रोसेस बता दिया, अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जस्ट नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या है, जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो अपने को डालने हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जो पास पासिंग स्टेटस, तो पास आपका, ठीक है, पासिंग ईयर जो है, जो भी आपने जिस ईयर में आपने कंप्लीट पास किया था तो वो पासिंग ईयर डालना है। फिर उसके बाद में आपका जो यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड जो भी है वो आपको डालना है, तो इस प्रकार से इसको फिलअप करना है, फिर सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद में क्या आएगा, फिलिंग इंटर्नशिप डिटेल, तो इंटर्नशिप डिटेल में यहाँ पे साफ साफ इंट्रक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, तो वही है जिनके 31 अक्टूबर से पहले हो गए हैं या फिर 31 अक्टूबर तक हो रहे हैं वही जो है एलिजिबल हैं, उसके बाद वाले एलिजिबल नहीं, ये यहाँ पे इंट्रक्शन में साफ साफ दिया गया। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो यस, ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप आगे भर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे आपको यस डालना है ना। उसके बाद इंटर्नशिप जिस डेट से स्टार्ट हुआ था वो डेट डालना है और जिस डेट को कंप्लीट हो रहा है वो डेट डालना है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ फिलअप करने के बाद में सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से शो अप होगा, ठीक है, सेव के ऊपर नेक्स्ट करके क्लिक करोगे तो आपको जो है प्रॉपर जो है इस प्रकार से शो अप होगा, ये शो अप नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो सेलेक्ट आपके काउंसलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट करना है काउंसलिंग की कौन सा काउंसलिंग आप जो है चाहते हो, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसकी काउंसलिंग हो गया, डीम यूनिवर्सिटी हो गया, ऑल इंडिया कोटा के जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, तो ये अगर आप पूरा सभी क्लिक करते हो तो उस कंडीशन में आपको 55,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ क्या करते हो, यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के कर रहे हो और गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, ठीक है, उसी के कर रहे हो, मतलब ऑल इंडिया कोटा के ही गवर्नमेंट कॉलेज के कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है 15,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 15,000 रुपये देना पड़ेगा, 13,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आपके हैं जो अदर कोटा से हो, रिजर्व कोटा से हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही है, अगर आप आल सेलेक्ट कर रहे हो तो 55,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो देख लेना आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो जो आपको चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होगा, ओके। तो अगर आप ऑल करते हो तो ऑल करते हो तो 55,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा। अगर इस प्रकार का पेज नहीं खुल रहा तो उस कंडीशन में आप क्या है फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ओके।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वही है कि जो करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो आपका पूछा जाएगा, जैसे कि आपका जो विलेज नेम हो गया, ठीक है, अगर है तो। इसके अलावा सब लोकली जो कॉलोनी वगैरह है वो आपको यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, सिटी, पोस्ट ऑफिस, कंट्री इंडिया, ठीक है, स्टेट, यहाँ पे आपको जो है जो भी आपके स्टेट है कि नागपुर है कि कौन से है वो आपको यहाँ पे भर देना है, सॉरी महाराष्ट्र है कि उड़ीसा है कि छत्तीसगढ़ है, जो भी है आपको भर देना है। ओके, इसके बाद में आपको जो है डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, फिर यहाँ पे ये वाला जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, ब्लैंक दिखाई देगा, सेव सेवस कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद में कैसा, जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में ये पेज खुल जाना चाहिए, अगर ये नहीं खुलेगा तो उस कंडीशन में इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो अप होंगी जो भी आपका आपने भरा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें शो अप होंगी। उसके बाद में क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन ऐसा करके है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप यहाँ पे टिक करोगे, यहाँ पे टिक करोगे तो ये जो है सेव एंड फाइनल ऐसा करके सबमिशन आपको शो अप होगा, और जैसे ही फाइनल सबमिशन करना है ठीक है, तो जैसे ही आप इसे करोगे उसके बाद में आपको जो है जैसे टिक करोगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए रिजल्ट, यहाँ पे वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कि जैसे आप क्लिक करोगे तो सेव करके ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट होगा उसके बाद नेक्स्ट जो आपको आ जाएगा वो आपका आ जाएगा फीस पेमेंट करने का, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपका फीस पेमेंट करने का जो ऑप्शन दिखाई देगा उसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले बात। तो जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में इस टाइप का कुछ पेज खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा, उसमें आपको क्या करना है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, तो आपको फीस पे करना है, तो फीस पे करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर पे फीस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप भी पे फीस के ऊपर क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपको शो अप होगा, ठीक है, तो जैसे आपको इस प्रकार से शो अप होगा उसके बाद में आपको वही है कि जो अमाउंट है वो आपको शो अप होगा, सबमिट के ऊपर सीधा क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबमिट, सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरा जो आपका बैंक वैंक डिटेल है वो वहाँ पे आपका शो अप हो जाएगा कि इस बैंक से ऐसे करके, जैसे ही उसमें अमाउंट भी उतना ही रहना चाहिए हाँ। तो जैसे ही प्रोसेस फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो प्रोसेस फॉर पेमेंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो इसके बाद में जो भी आया आपका, उसके बाद में आपको इस प्रकार से आपके ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि आप किससे करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, ठीक है, या ऑनलाइन डेबिट करना चाहते हो, कई लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उस भी यहाँ पे आप उस जो क्या बोलना चाहिए अदर जो वैलेट वगैरह है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करके जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है तो उसमें ऐसे कर सकता है, तो अपने हिसाब से, या डेबिट कार्ड से करना चाहता है तो डेबिट कार्ड से कर सकता है, उस हिसाब से उसके ऊपर क्लिक करके जो डिटेलिंग है उसको भरना है। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे क्लिक करेगा फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो कटता ही कटता है, ठीक है, समथिंग 10 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये दिखा रहा है बट वही 10-20 रुपये एक्स्ट्रा कटेगा, ये कटेगा, वो प्लेटफॉर्म चार्जेस रहता है उसका, ठीक है, तो वो आपको मिला करके जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करोगे, फीस प्रोसेस पे, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट पे रिसिप्ट पे, तो जैसे आप करोगे तो आपका जो फीस है वो कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में जैसे फीस कटेगा फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो अप होगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग के ऑप्शन के बारे में कैसे कैसे करके करना है इसको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें पूरे डिटेलिंग के बारे में अपन बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग से लेकर के चॉइस लॉकिंग कैसे करना है, सीट अलॉटेड जो रिजल्ट है वो आपको, ये पूरा जो आपका है, ठीक है, इसको ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अपन पूरा देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों को आज नाइट तक जो है अवेलेबल हो जाएगी, मतलब जो चॉइस फिलिंग की वीडियो है वो, ओके। और वही ऐसे भी चॉइस फिलिंग जो है वो आपको पता है कि 27 से नाइट से स्टार्ट होने वाला है, 27 को ही स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी वीडियो मैं आपको
अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं चॉइस फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू।